इसको बोलते हैं बड़ा पोपट होना, बहुत बड़ा पोपट होना। क्या कहने ऐसे कुछ। Hey guys, welcome back to the channel. And first of all, good morning. आज है 23 जून और मैंने कहा था कि 8 जून को कुछ होने वाला है, तो 8 जून को मैंने ये गाड़ी ली, इनोवा क्रिस्टा 2.8Z। और 8 जून को मेरे मम्मा पापा का एनिवर्सरी था, 25th एनिवर्सरी, और मेरे घर से बहुत सारे लोग आए थे, जिसमें से मेरे भाई बहन भी हैं, जो आज के व्लॉग में मैं इंट्रोड्यूस करूँगा उनको। और गांव से सब लोग आए थे, मामा मामी नानी मौसा मौसी मौसी, करीबन 20 लोग घर पे हो गए थे, भैया भाभी सब लोग आए थे। तो आज के दिन की शुरुआत हम लोग जुहू में करेंगे, और जुहू में तो आप लोगों को पता ही है क्या कहते हैं। सो चलिए वहाँ मिलते हैं बीच पे, देखते हैं, अगर मौसम साथ देता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर मौसम ने साथ नहीं दिया तो खाली हाथ जाएंगे और खाली हाथ ही आएंगे, सिर्फ नाश्ता करेंगे और वापस आ जाएंगे। बाय द वे, मौसम 2-3 दिन से धूप था, आज पूरा बादल हुआ पड़ा है, तो देखते हैं वहाँ जाके पता चलेगा। सबसे बड़ा पोपट किसको बोलते हैं? जू बीच पे आना और जो चीज करने आना वो चीज रहे ही ना, जो चीज करने आए थे वो तो है ही नहीं। पूरा बीच सिर्फ लोगों से भरा हुआ है, जो चीज करने आया है उसको सिर्फ और सिर्फ वेव्स के वजह से, लहरों के वजह से रोक दिया गया है, जस्ट फॉर आर सेफ्टी। बाय द वे, ये मेरे भाई बहन हैं, छोटे हैं सब छोटे, दोनों तीनों छोटे हैं। ये है सिद्धार्थ, वो है शिवांगी और वो है अंकिता। तो बाय द वे, इंस्टाग्राम पे देख लेना है, वो अंकिता टिकटॉक क्वीन है, ये सिंगर है, और ये ऐसी है मेरे जैसा। और मुझे एक और बात बोलनी थी, ये जो कचरा हम लोग फैलाते हैं वहाँ पे, वो पूरा एरिया कचरा से भरा हुआ है, और ये यहाँ पे जो लोग कर रहे हैं साफ़ सफाई, ये आज करेंगे और फिर संडे रात में, मतलब आज रात में, फिर ये लोग पूरा कचरा कर देंगे। यहाँ पे पूरे पब्लिक आ जाएगी, पूरे एरिया में पब्लिक आ जाएगी, फिर बॉटल रैपर्स ये वो सब फेंक देंगे। डस्टबिन्स दिए हुए हैं हर जगह पे, डस्टबिन्स दिए हुए हैं हर कॉर्नर पे, डस्टबिन्स दिए हुए हैं, मतलब मेरी जितनी जनता है, छोटी सी जो भी जनता है, मैं उसे रिक्वेस्ट करूँगा यार प्लीज़, आप लोगों को, अगर आप लोग आते हो या आप लोगों को बोलो कि बीचेस पे जाके कचरा ना करें यार, उनका भी संडे है, वो भी साफ़ सफाई करते हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, सी के लिए कर रहे हैं, वैसे भी सी पे कोई साफ थोड़ी हमारी सी, देख लो प्लास्टिक्स आते हैं, वाटर बॉडीज, ये सॉस का पैकेट है वहाँ पे, मैंने देखा सर्फ एक्सेल का पैकेट पड़ा हुआ है, तो ये सब चीज़ें हैं, समझ जाओ, बाकी तो आप लोग समझदार हो। जो चीज़ तुम करने आई थी सुबह उठ के, जाने वाले थे हम लोगों को, ऐसा तो नहीं है, अच्छा हुआ तुमको बहुत अच्छा लग रहा है, ज्यादा स्टार बनबू ज्यादा स्टार है। भाई ये कर क्या रहे यार, और तुम्हारा पोपट कैसा लग रहा है तुमको? ये दोनों के वजह से हमारा राइड कैंसिल हुआ है, जस्ट यहाँ पे भैया स्पीड बोट करने आप लेके जाने वाले थे ये दोनों, उस वजह से हम दोनों का राइड कैंसिल हो गया, जो कि हम ऑपोजिट साइड जाने वाले थे। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, देखो अच्छा हुआ जो भी हुआ, देख रहे हो ऐसी तो बहने हैं। Thank you.
ये है मेंटोस की खोपड़ी, डॉक्टर वाली नहीं, बिना खाए हुए मेंटोस की। ये है खाली खोपड़ी, वो भी खाली खोपड़ी, हम इंजीनियर्स की मेंटोस वाली खोपड़ी। ये बहस कर रही है कि इंजीनियरिंग टफ नहीं है। एक रात पहले पढ़ के पेपर निकाल के दिखाओ, हजारों असाइनमेंट्स करके दिखाओ, इतना इजी नहीं होता है, इतना इजी नहीं होता है, इजी नहीं होता है। ये भी इंजीनियरिंग ही करने वाली है, बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर, दैट इज ऑल्सो इंजीनियरिंग। खाली खोपड़ी करके दिखाओ, गाना सुना या ना, पैसा दे, काय का पैसा दे, पैसा मांगती है, चप्पल लेके घूम रही है। देखो मतलब हाइट्स चेक दी, हाइट्स चप्पल देखो, माहौल देखो, दिमाग देखो, आज ये दिमाग वाला काम किया है, स्लीपर्स डाल के आई है, मैं स्लीपर्स डाल के आया हूँ, ये भाई सैंडल डाल के आया है, चप्पल इसे छुपा रही है। अंकल देखते क्या हो, देखते क्या हो, देखो पीछे देखो, नहीं देख लो, नहीं देखोगे अभी, पीछे देखो, पीछे, अरे पीछे तो देखो, अरे पीछे तो देखो, लड़की लड़की ये लड़की है इधर। फीनिक्स शॉपिंग फेस्टिवल चल रहा है गाइस, अगस्त 18-15 आंखें खराब हो रही है। अरे अगस्त 18 तक है, खत्म नहीं हुआ है। फीनिक्स हाई स्ट्रीट, फीनिक्स पलेडियम, तो जाओ और शॉपिंग करो और कूपन कोड डालो वीकेंड मैडनेस, और वहां बताओ लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए वीकेंड मैडनेस। अकॉर्डिंग टू सिद्धू यहाँ के कुत्ते सेक्सी होते हैं, झालर वाले, वो देखो कैसे पूछ हिला रहा है, वो कैसे झालर लटकाए हुआ है, बेचारे गरीब कैसे देख रहे हैं बड़ी उम्मीदों से कि खाना मिल जाएगा, गए झालर वाले कुत्ते, सुना है कभी झालर वाले कुत्ते, एकदम सेक्सी है यहाँ के कुत्ते, एकदम एकदम सेक्सी, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, लौंडे की भावना है, सिंगल लौंडे की भावना है, समझ रहे हो, समुद्र का दर्शन हो गया, पेट पूजा भी हो गया। मैं आप लोग को मेरी नई गाड़ी अंदर से दिखाता हूँ, तो ये है ऐसा कुछ डैशबोर्ड इसका, ये स्पीड कंट्रोल यूनिट, स्टेयरिंग, और ये फ्रंट व्यू है, ये मेरे यूट्यूब के सरजाम इसको लगाने के लिए भाई साहब को, ये पूरा वुडन फिनिश के साथ अच्छा बढ़िया, और कप होल्डर देखो दिखा रहे हैं, कार रिव्यूअर, ये पुश बटन, ये है, ये स्टारबक्स के चोरी किए हुए टिश्यूज भी है, और ये पुश स्टार्ट एंड स्टॉप बटन भी है, और ये गाड़ी का बैक एंड, ऊपर ये एसी वेंट्स हैं, इसको कंट्रोलिंग यूनिट है, वहाँ पे दो एसी वेंट्स हैं, अब पीछे का बॉक्स इग्नोर करना, साइड का सामान है, गाड़ी आई और साइड का सामान, और ये मैं हूँ, इधर दिख रहा है कैमरे के पीछे, मैं हूँ और वो सिद्धू है फिलहाल, बाकी सब तो गुड है, ये सामने वाले लोग हैं मेरे को आतंकवादी जैसे दिख रहे हैं, बट ठीक है, लेट्स इग्नोर देम। और उड़ीसा वाले चचा आ रहे हैं, उड़ीसा वाले चचा देखो चल गया रहे हाथ के पीछे ऐसे, देखो देख रहे हैं। तो हम घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, और सीट बेल्ट लगा लिया है, कुर्सी की पेटी बांध ली है हमने, क्योंकि सेफ्टी इज नंबर वन प्रायोरिटी, और ड्राइव करते समय ब्लॉग नहीं करना चाहिए। तो एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, अच्छा लगा तो लाइक दीजिए, कमेंट ज़रूर करिए, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बाकी क्या, शुक्रान अलविदा, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, कॉपीराइट आ सकता है निखिल भाई की वीडियो से, तो चलो मिलते हैं
बाकी सब फर्स्ट क्लास। बाय बाय। जैसे करता है वो बहुत आठ क्या बहुत आठ क्या बहुत आठ क्या।